हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2001 में आई मूवी कसूर की। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आलीशान बंगले को देखते हैं। रात का समय होता है, दिखाया जाता है कि कोई ग्लव्स पहने दरवाजे की कुंडी खोलते हुए अंदर जाता है। वो इंसान काले कपड़े पहने हुए और चेहरा मास्क से ढके हुए था और उस कमरे में एक लड़की अपने बिस्तर पर सो रही थी। वो उसके नजदीक जाता है, वो लड़की करवट लेते हुए पलटती है और उस इंसान को देखकर अचानक से डर जाती है। वो नकाब पोश उस लड़की के मुंह पे हाथ रख देता है और उसे चमकता हुआ छुरा दिखाता है। वो लड़की डरकर सहम जाती है। वो नकाब पोश उस लड़की के हाथ पांव को रस्सी से बिस्तर से बांध देता है, फिर चाकू से उसकी हत्या कर देता है। सुबह होते ही इंस्पेक्टर पवार अपने सीनियर इंस्पेक्टर लोखंडे के पास जाता है और उन्हें ये खबर देता है कि इंडिया टाइम्स की मालकिन प्रीति सक्सेना का मर्डर हो गया है। फिर इंस्पेक्टर लोखंडे प्रीति सक्सेना के घर जाता है। जब लोखंडे वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि घर की नौकरानी उसे भी नहीं छोड़ा गया, कातिल ने गला रेतकर उसकी भी हत्या कर दी। लोखंडे प्रीति सक्सेना के कमरे में जाता है, वहां का दृश्य देखकर वो हैरान रह जाता है। अपने बेड से बंधी हुई प्रीति सक्सेना खून से लथपथ रहती है और अजीब सी हालत में मरी पड़ी रहती है और उसके पीछे की दीवार पे लिखा होता है कुतिया। लोखंडे को इंस्पेक्टर पवार बताते हैं कि पीछे का शीशा टूटा हुआ है, यानी कातिल वहीं से अंदर आया होगा। शेखर सक्सेना जो कि प्रीति सक्सेना का हस्बैंड है, उसका कहना है कि वो जब घर के अंदर आ रहा था तब किसी ने उसे पीछे से उसको सर पे वार किया और वो वहीं पे बेहोश हो गया। फॉरेंसिक टीम का एक इंस्पेक्टर लोखंडे से कहता है कि ये मामला बलात्कार का नहीं है, बल्कि ये एक वैसी आदमी ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है और हाँ, कत्ल किसी 6 इंच के धारीदार चाकू से हुआ है। इंस्पेक्टर की टीम और लोखंडे को कुछ और बातें पता चलती है, जैसे कि घर में किसी भी अननोन आदमी के उंगलियों के निशान नहीं है। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि प्रीति सक्सेना की मौत के बाद शेखर सक्सेना ही प्रीति सक्सेना की सारी जायदाद का अकेला वारिस हो गया। दरअसल प्रीति और शेखर की शादी तो हो गई थी, लेकिन प्रीति ही अपनी अपार संपत्ति की इकलौती मालकिन थी और शेखर का उसमें कोई हिस्सा नहीं था। लेकिन अब जब प्रीति सक्सेना मर चुकी है तो शेखर ही उन सारी जायदाद का मालिक बन चुका है। ये पुलिस के लिए बहुत ही संदिग्ध हालत होते हैं कि वो शेखर पर शक करे। लोखंडे शेखर के सर की चोट के बारे में भी पता करते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि वो घाव ज्यादा गहरा नहीं है, जिसपे लोखंडे कहता है कि मारने वाले ने इस बात का ध्यान रखा है कि चोट ज्यादा गंभीर न हो। हर कोई हंसने लगते हैं और लोखंडे की बात का मतलब समझते हैं, जिसपे एक इंस्पेक्टर बोलता है कि अगर उसे अपनी बीवी को मारना ही था तो इतनी बेरहमी से तो नहीं मारता। लोखंडे कहता है इसीलिए उसने अपनी बीवी को इतनी बेरहमी से मारा ताकि कोई भी देखकर यही बोले कि कोई भी अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है। सीधी सी बात है, अपनी बीवी की गुलामी सहते हुए कोई अपनी पत्नी को ऐसे ही मारना चाहेगा। इसके बाद वो शेखर से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ शेखर से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि शेखर देर रात अपने ऑफिस में था और काम कर रहा था। वो लौटकर अपने घर तो आया था, लेकिन उसे ज्यादा कुछ याद नहीं क्योंकि उसके सर पे चोट लगी हुई होती है। लोखंडे पूछता है कि आप इतनी देर रात ऑफिस में जाते हैं किस लिए, जिस पे शेखर कहता है कि मैं अपने ऑफिस में एडिटर ऑफ चीफ हूँ, तो मुझे लाखों काम होते हैं। मैं शहर के क्राइम रेट पे आर्टिकल्स लिखता हूँ। ये एक मर्डर केस का मामला होता है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। शेखर और उसके वकील को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, वहाँ उसे काफी पूछताछ की जाती है। इस इंक्वायरी में ये शक जताया जाता है कि शेखर ने ही अपनी पत्नी को मारा है, जिस पे शेखर इनकार करता है। इसी के साथ नेशनल जिमखाना के सुपरिटेंडेंट, जिसका नाम रुस्तम सोडा वाटर वाला होता है, उससे भी पूछताछ की जाती है, जिसमें वो कहता है कि हाँ, शेखर हमारे जिम के क्लब में मेंबर हैं। और 31 दिसंबर को जब वो उसकी लॉकर की सफाई कर रहा होता है तो वहाँ उसे एक हंटिंग नाइफ दिखाई देता है। ये हंटिंग नाइफ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि जिस चाकू से प्रीति सक्सेना का मर्डर हुआ था। पुलिस इस बेसिस पे शेखर सक्सेना को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन किसी तरह से शेखर को बेल मिल जाती है। इसके बाद शेखर अपने वकील से बात करके एक क्रिमिनल लॉयर की डिमांड करता है,
जो उसके केस को लड़ सके। उसका वकील बताता है कि एक लड़की है, ये लड़की जस्टिस भार्गव की बेटी सिमरन भार्गव है। अपने माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद ये काम में ही डूबी रहती है और अपने काम से ही अपना अकेलापन दूर करती है। लेकिन वो लड़की 4 सालों से किसी केस पे काम नहीं किया है। अब शेखर उसे ही अपना वकील रखने के लिए इंसिस्ट करता है। शेखर का वकील सिमरन भार्गव से इस बात के लिए इंसिस्ट करता है। वो कहता है कि तुम्हें एक बेगुनाह की जान बचानी होगी। सिमरन पहले तो मना कर देती है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद सिमरन शेखर से मिलने जाती है। शेखर उसे बातों ही बातों में उसे अपना पूरा घर दिखाता है। शेखर कहता है कि मिस भार्गव, मैं ये केस जीतना चाहता हूँ क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ, मैंने अपनी पत्नी का खून नहीं किया। उसी शाम सिमरन अपने दोस्त यानी कि अमित के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। वहाँ इंस्पेक्टर लोखंडे सिमरन से मिलने आता है। लोखंडे सिमरन को ताना मारते हुए कहता है कि सुना है अब आप गुनहगारों का भी केस लड़ने लगी हैं। सिमरन कुछ जवाब नहीं देती है। लोखंडे कहता है कि कुछ साल पहले मैंने और आपने मिलकर अजीत नाम के लड़के को सजा करवाई थी, उसने जेल में आत्महत्या कर ली। सिमरन ये सुनकर चौंक जाती है और वो वापस अमित के साथ घर चली जाती है। वहाँ सिमरन अमित को पूरी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि कुछ साल पहले उसने अजीत नाम के लड़के का केस लड़ा था। अजीत की माँ सिमरन से चीख चीख कर कह रही थी कि उसका बेटा बेगुनाह है, लेकिन सिमरन ने लोखंडे के लाए हुए सबूतों पर भरोसा करके अजीत को उम्र कैद की सजा करवा दी थी। लेकिन बाद में सिमरन को पता चला कि अजीत बेगुनाह था और इंस्पेक्टर लोखंडे के पास उसके बेगुनाही के सबूत थे, लेकिन उसने अपने किसी फायदे के लिए ये बात सिमरन को नहीं बताई। सिमरन आज भी उसी गलानी में है और इसी गलानी के चलते वो शेखर का केस लेना चाहती थी। उसका मानना था कि अगर उसकी वजह से कोई बेगुनाह बच जाता है तो शायद वो इस शर्मिंदगी से उभर सके। सिमरन ये केस लड़ने से पहले अपने कुछ कंडीशंस रखती है। वो कहती है कि अगर केस लड़ने के दौरान ये पता चला कि उसे कोई फैक्ट छुपाया गया है, झूठ बोला गया है या फिर शेखर सचमुच गिल्टी है, तो वो उसका केस उसी बीच में छोड़ देगी। सिमरन ये भी कहती है कि इस केस में उसका दोस्त अमित ही सिर्फ मदद करेगा। इसके बाद सिमरन शेखर के घर जाती है। शेखर से पूछती है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। शेखर उसे अपनी पत्नी के कमरे में लेकर जाता है। वो कहता है कि मैं इस कमरे में आया और मैंने देखा कि रूम में हर जगह सिर्फ खून ही खून है। उसके हाथ बिस्तर से बंधे हुए हैं, उसकी लाश के पास सिर्फ खून है, उसके ब्रेस्ट को काट दिया गया था, दोनों पैरों के बीच में भी चाकू से वार किया गया था। शेखर ये बोलते हुए रोने लगता है। वो कहता है कि मैं एक छोटा मोटा जर्नलिस्ट था और प्रीति एक बहुत बड़ी रिच जर्नलिस्ट की बेटी थी। वो उसे एक पार्टी में मिला था। उसे धीरे धीरे प्रीति से प्यार हुआ और उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद उसे ऐसा लगने लगा कि प्रीति बहुत हाई क्लास है और वो एक आम इंसान। लेकिन शेखर को भरोसा था कि वो धीरे धीरे हाई क्लास की सीढ़ियां चढ़ते हुए वो प्रीति के पास जरूर पहुंच जाएगा। शेखर बताता है कि वो प्रीति की अमीरी स्टाइल और हाव भाव इन सब से वो बहुत प्रभावित हुआ था। लेकिन शादी के बाद उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि प्रीति के साथ तालमेल बैठाना थोड़ा मुश्किल है। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि वो दोनों साथ होकर भी एक साथ नहीं थे। शेखर की बातें सुनने के बाद सिमरन को सच में लगने लगता है कि शेखर एक भला इंसान है। सिमरन का लगाव अब शेखर की ओर बढ़ता जा रहा था। शेखर भी सिमरन को पसंद करता था और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। कुछ दिन बाद सिमरन के पास एक खत आता है जिसमें लिखा होता है कि ही इज इनोसेंट और वो एक टाइपराइटर से लिखा होता है जिसका टी थोड़ा उठा हुआ होता है। सिमरन उस खत को पढ़ रही होती है, तभी अमित आता है। अमित उसके चेहरे, उसकी आंखों की चमक और उसके हाव भाव को देखकर समझ जाता है कि सिमरन पूरी तरीके से शेखर के प्यार में डूबी हुई है। अमित बुरी तरीके से जल जाता है क्योंकि अमित सिमरन से प्यार करता है। अगले दिन केस की पहली सुनवाई होती है। अमित पहले से ही वहाँ मौजूद होता है। वो सिमरन से कहता है कि सिमरन ये मेरी कमजोरी ही है कि मैं जीवन के किसी भी मोड़ पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। केस शुरू होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर नितिन मेहता कहता है कि शेखर सक्सेना नहीं अपनी पत्नी प्रीति सक्सेना का मर्डर किया है और ये मर्डर उसने प्रीति के अपार संपत्ति के लिए किया है। वहीं दूसरी तरफ सिमरन कहती है कि शेखर बेकसूर है और वो ये साबित करेगी। मेहता अपना पहला गवाह लाता है और वो गवाह शालिनी होती है। शालिनी प्रीति की दोस्त होती है जिससे उसकी दोस्ती क्लब में ही हुई थी। वो उससे पूछता है कि क्या प्रीति अपनी शादी से खुश थी, जिस पे शालिनी कहती है नहीं। वो कहती है कि प्रीति का मानना था कि शेखर का कहीं और अफेयर चल रहा है
और हो सकता है वो जल्द ही शेखर को डाइवोर्स दे दे। इसके बाद सिमरन शालिनी को क्रॉस एग्जामिन करती है, जिसमें ये बात खुलकर सामने आ जाती है कि दरअसल शालिनी शेखर को पसंद करती थी और उसे बुरी तरीके से अप्रोच कर रही थी, लेकिन शेखर उसे बार बार इग्नोर करता था। इस बात से सिमरन कोर्ट में साबित करती है कि शालिनी एक बहुत ही खूबसूरत औरत है और एक मर्द के द्वारा ठुकराए जाने पे बस बदला लेने के लिए ये सब बयान दे रही है। दरअसल सिमरन इस बात का खुलासा कर देती है कि प्रीति और शालिनी की दोस्ती इस केस के 6 महीने पहले ही खत्म हो गई थी, क्योंकि प्रीति को शेखर ने बता दिया था कि शालिनी उसे किस तरीके से अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। अगली सुनवाई में मेहता एक लड़की को गवाह के रूप में लाता है। उस लड़की का नाम रीटा होता है। मिस्टर मेहता रीटा से पूछते हैं कि उनका और शेखर का क्या संबंध है। रीटा बताती है कि अभी दोस्ती का है, लेकिन 1 साल पहले वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वो बताती है कि दरअसल उनके प्यार की शुरुआत शेखर की ओर से ही हुई थी। शेखर उससे कहता है कि वो उसका दीवाना है और वो उससे शादी भी करने को कहा था, लेकिन फिर उसने कहा कि शादी करने के बाद मुझे प्रीति की दौलत से भी अलग होना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर सिमरन के अंदर कुछ टूटता है, लेकिन वो कुछ जाहिर नहीं करती और वो रीटा को क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं कर पाती है। इसके बाद जिमी परेरा नाम के शख्स की गवाही होती है। जिमी परेरा एक स्विमिंग कोच होता है। वो उसी जगह स्विमिंग कोच होता है जहाँ पे प्रीति सक्सेना स्विमिंग सीखने के लिए जाती थी। दरअसल वो उसका पर्सनल स्विमिंग कोच रहता है। जिमी परेरा बताता है कि प्रीति सक्सेना और उसके बीच जिस्मानी ताल्लुकात थे। दरअसल प्रीति ये जानती थी कि उसके पति का भी नाजायज संबंध है, इसलिए वो बिना किसी गिल्ट के जिमी के साथ संबंध रखती है। मिस्टर मेहता पूछते हैं कि क्या प्रीति कभी शेखर को डाइवोर्स नहीं देना चाहती थी, जिस पे जिमी कहता है कि एक दिन प्रीति ने कहा तो था कि मैं जानती हूँ कि मेरा पति मुझे यूज कर रहा है, लेकिन मैं भी तो उसे यूज कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरा जिम मेरा प्रेस बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहा है। केस खत्म होने के बाद सिमरन बहुत रोती है और वो शेखर से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे बातें छुपाई। दरअसल शेखर ने रीटा के बारे में सिमरन को कुछ भी नहीं बताया था। सिमरन कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुमने मुझसे कोई भी फैक्ट छुपाए तो मैं ये केस बीच में ही छोड़ दूंगी। इधर अमित ने जिमी परेरा के बारे में काफी इन्वेस्टिगेशन कर लिया था और उसने सिमरन को बताया कि हमें जिमी से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सिमरन कहती है कि मैं ये केस छोड़ रही हूँ अमित। ये सुनकर अमित अंदर ही अंदर खुश होता है। वो कहता है कि सिमरन मैं खुश तो हूँ कि तुम शेखर का केस छोड़ देना चाहती हो, क्योंकि उसकी वजह से तुमने मुझे बहुत इग्नोर किया, लेकिन तुम एक वकील हो और तुम्हारा फर्ज है अपने मुवक्किल की जान बचाना। तुम्हें ये केस लड़ना ही होगा, क्योंकि इस वक्त अगर तुमने उसका केस छोड़ दिया तो पब्लिक, पुलिस और जज हर किसी को इसका यकीन हो जाएगा कि शेखर ही कातिल है। अमित कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस बात से काफी दुखी हो कि शेखर की जिंदगी में कोई औरत थी, लेकिन अपने फर्ज को मत भूलो। अगली सुनवाई में सिमरन जिमी परेरा को क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए फिर से कटघरे में बुलाती है। वो जिमी से पूछती है कि आपने अपनी पिछली नौकरी किस लिए छोड़ी थी। जिमी कहता है बस यूं ही, जिस पे सिमरन कहती है कि आपने वो नौकरी छोड़ी नहीं थी, बल्कि एक शादीशुदा औरत की कंप्लेन पर आपके कैरेक्टर पे शक करते हुए आपको उस नौकरी से निकाल दिया गया था। जिमी चिढ़ जाता है। सिमरन आगे कहती है कि आप ये बताइए कि प्रीति के साथ आप कहाँ कहाँ संबंध बनाते थे, जिस पे वो कहता है कभी मेरे घर पे, कभी उसके घर पे, कभी होटल्स में। सिमरन कहती है कि उसी घर पे जहाँ उनका खून हुआ। जिमी कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ उसका खून हो जाएगा। सिमरन उससे पूछती है कि क्या आपको इन सब सर्विसेज के बदले प्रीति आपको कुछ पे भी करती थी। जिमी आग बबूला हो जाता है, कहता है आपने मुझे समझ क्या रखा है। सिमरन उसे और भी उकसाना शुरू करती है। वो कहती है कि प्रीति के साथ संबंध बनाने से पहले आप उसके हाथ पांव बांध दिया करते थे बिस्तर से, राइट। जिमी बहुत चिढ़ जाता है और धीमी आवाज में कहता है साली कुतिया। तो सिमरन कहती है क्या कहा आपने। तो जज इधर जिमी से कहते हैं कि आपने जो भी कहा जोर से कहिए। जिमी चिढ़ते हुए तेज आवाज में 3 बार कुतिया कहता है। इसके बाद सिमरन अपने दूसरे गवाह को बुलाती है, मिस्टर आडवाणी को। मिस्टर आडवाणी बताते हैं कि नेशनल जिमखाने में उनका भी लॉकर है और उनका लॉकर नंबर है 402, जो कि शेखर के लॉकर नंबर 502 के ठीक नीचे आता है। और वो ये भी बताते हैं
कि उन्होंने वहां पर एक हफ्ते पहले ही एक चाकू रखा था जिस डेट के बारे में रुस्तम ने कंफर्म किया था। रुस्तम को फिर से कटघरे में बुलाया जाता है और उसे चाकू दिखाया जाता है। इस बार रुस्तम पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है कि उसने चाकू देखा कहाँ था, 502 लॉकर में या 402 लॉकर में, और बोलता है कि मैं बिल्कुल परेशान हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं, उफ, मैंने ये क्यों गवाही दी, और वो अपने बयान से पलट जाता है। उसी दिन शाम में सिमरन को एक और खत आता है जिसमें लिखा रहता है ही इज इनोसेंट, और इस बार भी इनोसेंट का टी उठा हुआ होता है और उसमें एक लड़की के बारे में लिखा होता है, पायल मल्होत्रा, कि आप जाओ और उससे मिलो। सिमरन और अमित पायल से मिलते हैं और उसे अगली सुनवाई में कोर्ट में बुलाते हैं। सिमरन पायल से कोर्ट में पूछती है कि 9 जनवरी 1998 को जो हादसा हुआ था वो आप कोर्ट को बताइए। पायल बताती है कि उस रात वो अपनी बिस्तर पर सोई हुई थी कि अचानक कोई नकाबपोश उसके कमरे में आता है, वो उसके हाथ पांव बांध देता है और एक बड़ा सा चाकू जो कि हंटिंग नाइफ होता है उसे दिखाते हुए उसकी गर्दन पे रख देता है। उसके बाद वो उसका रेप करता है और सामने वाली दीवार पे पायल के ही खून से कुतिया लिख देता है और फिर न जाने उस नकाबपोश के मन में क्या आता है, वो वहाँ से रात के अंधेरे में ही गायब हो जाता है। सिमरन पायल से कहती है कि आपने प्रीति सक्सेना का केस तो न्यूज में पढ़ा ही होगा और आप ये भी समझ गई होंगी कि आप दोनों के केस में सिमिलरिटी है, इनफैक्ट आप दोनों पर एक ही तरह से अटैक हुआ है। जिस पे पायल कहती है जी मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं अपनी बात कहने पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन पुलिस अफसर ने मुझसे कहा कि आप दोनों का केस अलग है और मुझे वापस भेज दिया। इस बात से कोर्ट में मौजूद पब्लिक और जज दोनों चौंक जाते हैं और जज पुलिस अफसर को कहते हैं कि आप लोगों पे अलग से कार्रवाई की जाएगी। पायल अपने बयान में ये भी बताती है कि पहले वो कंट्री क्लब की मेंबर थी और उसका संबंध जिमी परेरा से भी था। पायल की गवाही इस केस के लिए एक टर्निंग प्वाइंट होता है और वो सिमरन के लिए भी लकी साबित होता है। जज अपना फैसला सुना देते हैं और कहते हैं कि शेखर बेगुनाह है और उसे बाइज्जत बरी किया जाता है और पुलिस को ये भी हुक्म देती है कि आप सही कातिल का पता लगाएं। कोर्ट के बाहर इंस्पेक्टर लोखंडे सिमरन भार्गव से मिलता है और कहता है कि सिमरन जब पायल का केस पुलिस स्टेशन में दर्ज ही नहीं है तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। सिमरन कहती है कि मुझे एक चिट्ठी आई थी, इस पूरे केस में किसी अनजान व्यक्ति ने मेरी मदद की है। लोखंडे सिमरन से कहता है कि तुम्हारी मदद किसी अनजान आदमी ने नहीं की है, खुद शेखर सक्सेना ने ही की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसने प्रीति सक्सेना की मर्डर की प्लानिंग 1.5 साल पहले ही करना शुरू कर दिया था। उसने जानबूझकर पायल पे 1.5 साल पहले हमला किया ताकि वो सेम हमला प्रीति पर कर सके। वो जानता था कि पायल और जिमी नजदीक हैं। उसके बाद उसने फिर से प्लानिंग करके जिमी को कंट्री क्लब से निकलवाया और अपने ही जिम में नौकरी दिलवाई। वो तब तक वेट करता रहा जब तक जिमी और प्रीति नजदीक नहीं आ जाते। जैसे ही प्रीति और जिमी नजदीक आए उसी तरीके से उसने प्रीति को मार दिया जिस तरीके से उसने पायल पे हमला किया था। लेकिन सिमरन उससे कहती है कि मिस्टर लोखंडे आप ये केस हार चुके हैं और इस हार के साथ आप जीना सीख लीजिए। उधर शेखर सक्सेना मीडिया में ये बयान देता है कि अगर आज मैं आप लोगों के सामने जिंदा खड़ा हूँ और बाहर हूँ तो इसका पूरा क्रेडिट सिमरन भार्गव को जाता है। सिमरन उसकी ये सब बातें टीवी पर सुनती है और इमोशनल हो जाती है। वो जाकर शेखर से मिलती है और उसे माफ कर देती है और वो शेखर के घर पे ही रुक जाती है। सुबह जब उठती है और कंबल को कबर्ड में रखने के लिए जाती है, वहाँ कबर्ड में उसे एक टाइपराइटर दिखता है जो रेलेंटिंग कंपनी का होता है। दरअसल सिमरन को जितनी भी चिट्ठियाँ आई वो सारी चिट्ठियाँ रेलेंटिंग टाइपराइटर से ही लिखी गई थी। सिमरन उस टाइपराइटर में एक कागज डालकर बस एक लाइन लिखती है, ही इज इनोसेंट, और पूरा सेंटेंस लिखने के बाद जब टी प्रिंट होता है तो वो उठा हुआ होता है। सिमरन सब समझ जाती है, वो रोने लगती है और टाइपराइटर लेकर बाहर भागते हुए गाड़ी से अपने घर चली जाती है। इसके बाद वो इंस्पेक्टर लोखंडे को कॉल करती है और कहती है कि लोखंडे साहब आप सही थे, मैंने एक गुनहगार को रिहा करवाया है, दरअसल वो खूनी है और मैं वो टाइपराइटर लेकर आपके पास आ रही हूँ। इधर शेखर अपने कबर्ड में जाकर देखता है तो उसे वो टाइपराइटर नहीं मिलता है। वो समझ जाता है कि सिमरन उसे लेकर चली गई है और वो सब कुछ समझ चुकी है। उस वक्त शेखर के चेहरे पे अजीब सी वैसियत नजर आती है। इधर शेखर सिमरन के घर पहुंचकर सिमरन पे हमला कर देता है। जब सिमरन बेहोश हो जाती है तो वो सिमरन को उठाकर उसके कमरे में लेकर जाता है और उसके हाथ पैर को रस्सियों से धीरे धीरे बांधने लगता है। इसी दौरान सिमरन को होश आ जाता है,
वो शेखर को ऐसी लात मारती है कि वो शीशे को तोड़ते हुए नीचे गिर जाता है और लहूलुहान होकर बेहोश हो जाता है। सिमरन किसी तरह से अपने हाथ पांव को खोलकर गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती है। जब वो रास्ते में होती है तो उसे समझ आता है कि शेखर गाड़ी के पिछली सीट पर ही बैठा हुआ है। शेखर को देखकर वो डर जाती है और गाड़ी को इस तरीके से मोड़ती है कि गाड़ी एक तालाब में जा गिरती है और उसके बाद उसी तालाब में हाथापाई में वो शेखर को मार डालती है। इसके बाद हम सिमरन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां अमित उसके सिरहाने बैठा होता है। अमित उसे कहता है कि बाहर मीडिया इंतजार कर रही है एक बहुत ही बहादुर लड़की से मिलने के लिए। सिमरन कुछ नहीं कहती, सिमरन अमित की बाहों से लिपट जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये एक्सप्लेनेशन, और दोस्तों आप अगला एक्सप्लेनेशन किस मूवी का देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, हमें अपनी राय अवश्य दें। बाकी जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।